आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लार के फायदों के बारे में। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि रोजाना सुबह बासी मुंह पानी पीने से जो हमारे मुंह में लार होती है वो अंदर पेट में चली जाती है, जिसके कारण वो हमारे पेट में एंटीसेप्टिक की तरह व्यवहार करती है और बहुत सारे रोगों से हमें बचा देती है। हम आपको बता दें कि मानव की लार में 98% पानी होता है, जबकि शेष 2% एंजाइम, बलगम, इलेक्ट्रोलाइट और जीवाणुरोधी यौगिक तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए लार एक एंटीसेप्टिक और प्रतिरोधक की तरह काम करती है। तो आज के वीडियो में हम लार के फायदे देख लेते हैं। सबसे पहले है कि ये अगर किसी को एक्जिमा है तो सुबह उठकर 1 महीने तक आप उस पर लार लगाइए। आप देखेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एक्जिमा आखिर कहाँ चला गया है। दूसरा है कि सोराइसिस अगर किसी को है, जगह जगह दाने फोड़े फुंसियां टाइप आपको निकल रहे हैं, तो उसे 6 महीने से 1 साल तक आप लगाइए। आप देखेंगे कि सोराइसिस की जो जगह है वहाँ से वो ठीक हो गया है। दूसरा, जलने के अगर कोई निशान है तो वहाँ 1 से 2 महीने तक आप उस घाव पर लार लगाइए। आप देखेंगे कि आपका वो निशान ठीक हो गया है। हाथ पैरों की उंगलियों के बीच कई बार ये होता है कि एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपके वो फंगल इन्फेक्शन है तो भी आप लार का प्रयोग कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके फंगल इन्फेक्शन ठीक होने लगा है। दोस्तों, अगर आपके आँख में खुजली होती हो और एलर्जी हो रही हो तो सुबह उठकर आप उस जगह पर 2 से 3 महीने तक लार को काजल की तरह लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अगर पेट की समस्या है और कीड़े हैं तो सुबह उठकर आपको बासी मुंह पानी पीना है, पेट दर्द, कीड़े होने की प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि किन वजहों से आजकल लार की कमी हो रही है और लोग बीमार हो रहे हैं। धूम्रपान से लार के दूषित होने या तंबाकू, खैनी, पान और जर्दा खाने से बार बार थूकने की आदत से मुंह सूखने लगता है, जिससे ये लार खत्म हो जाती है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा लार बाहर निकल जाती है। दवाओं या ड्रग आदि के प्रयोग से भी मुंह सूख जाता है और लार ना के बराबर रह जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि तंबाकू, खैनी, पान, जर्दा आप कुछ ना खाएं, साथ ही आप सिगरेट भी ना पिएं, क्योंकि ये जो लार है ये आपको जीवन दान का काम कर सकती है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।